आज हम जा रहे हैं शारजा कॉर्नर्स पर। आज थोड़ी गर्मी कम हो गई है शाम के टाइम, तो जाके थोड़ी सी मौज मस्ती करते हैं वहां पे जाके। आगे दिखाओ हमारे फैंस के लिए। कॉर्निश देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम उसकी छत्र छाया में आ चुके हैं अभी। हम लोग अभी शारजा में इंटर हो चुके हैं। पेड पार्किंग है 10 दिरहम की। यहाँ पे हमको 10 दिरहम खर्च करने पड़ेंगे तो हमें पेड पार्किंग मिलेगी। बट आज तो फ्री होनी चाहिए, पता नहीं क्यों आज पेड है, शायद फिर बीच की वजह से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है कहाँ पर, देसी कपल में। तुम गलत मत समझो भाई, आज हम लोग आए हैं शारजा कॉर्नर्स पे। ईद की छुट्टी है, इस वजह से छुट्टी घूमने मजाने आए हैं, मौज मस्ती करने आए हैं। गाइस पीछे व्यू तो देख रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है और क्या। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस रोला मचाना है, रोला, समझ रहे हो? गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पार्किंग पूछने कि आज फ्री है कि पेड है, क्योंकि वहाँ लिखा था 10 दिरहम पर आवर्स। तो पार्किंग के वाले पूछना पड़ेगा उसे, फिर हम टिकट लेंगे। तो दोस्तों मैंने उससे पूछ लिया है कि आज पार्किंग फ्री है या पेड है, तो उसने बोला है कि भाई पेड है पार्किंग, क्योंकि ये बीच की पार्किंग है, यहाँ पे फ्री नहीं होती है। 10 दिरहम पर घंटा, मतलब 220 रुपये इंडिया के बनते हैं एक घंटे के। हाँ तो घूमने के भी यहाँ पे पैसे लग रहे हैं। देखो अभी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आह हाँ, क्या खूबसूरत प्लेस है। आप कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए कहना चाहेंगे? अभी आइए घूमिए यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया व्यू है। हाँ देखा, बहुत बढ़िया व्यू है। आवाज़ नहीं निकल रही है, थोड़ी खाया पिया नहीं है शायद इस वजह से। और चल के अब जाके देखते हैं कि कैसा क्या है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है, अभी हम जाएंगे आगे और आगे जाके देखते हैं कि इसका क्या नज़ारा है। आप गैस कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। अभी रात का समय हो चुका है और दिन में तो बहुत ही खूबसूरत लगती होगी ये देखिए। तो गाइस देखा आपने कि कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत मस्त जगह है एकदम। यहाँ का व्यू ओहो माशाल्लाह, और जिसने भी इंटीरियर डिजाइन किया है उसको सैल्यूट है। तो मैं तो एक बार पहले आया था, आज मैं इनको घुमाने लेने आया हूँ। मैंने इनसे कहा भी था कि एक हम नई जगह जा रहे हैं, तो इन्हें लगा कि ऐसी जगह होगी तो ज़्यादा तैयार होके नहीं आई, ज़्यादा मेकअप वेकअप करके नहीं आई। ठीक भी है वैसे, गर्मी में ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए चेड़ तो निकाल के नहीं ला। वाओ कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, देखिए लहरें आ रही है समुंदर से। ये जो है ये शारजा का कॉर्निश है और बहुत ही बड़ा है, वो सबसे बड़ी शिप आ रही है शायद लग रही है। अभी भी सूर्य डूबा नहीं ऐसा लग रहा है। मैं
तो हम फाइनली आ गए हैं शारजा कॉर्निश पर। देखिए आज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। हम लोग बिल्कुल किनारे पे हैं, बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, व्यू भी बहुत अच्छा है। देखें गाइस पानी की लहरें हैं, माशाल्लाह पानी की लहरें हैं। जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। ये देखो ये जगह खड़ी हुई है, पिक्चर खींच रही है, वीडियो बना रही है, पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आज दिवाली हो, दिवाली की तरह सजाया गया है, देखो है ना। तो गाइस अभी हम बीच पर गए थे, वहाँ से थोड़ा सा टहल महल करके आए हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम गाड़ी से चेयर निकाल के वहाँ पे हम लोग बैठेंगे आधा घंटा पौना घंटा, उसके बाद फिर कहीं जाएंगे। और तो जगह गाइस बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कितना अच्छा बनाया गया है। तो आगे चल के हम देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे, और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग बहुत देर बीच पे बैठे रहते तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी, हमने कहा कि ठंडी हवा तो आ रही थी बीच पे, लेकिन हमने सोचा कि अभी जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका था। देखो यहाँ पे नेचुरल पेड़ भी हैं शारजा के अंदर जो बीच पे हैं, सामने जो लगे हुए हैं। आज हम लोग उधर चलते हैं कैसा देखते जाके। अगर आप लोगों ने भी आना है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंडों के साथ, तो इस बीच का नाम है अल हीरा बीच शारजा कॉर्निश। गूगल पे लोकेशन सर्च कर लीजिएगा, अल हीरा बीच शारजा आपको मिल जाएगी कॉर्निश। और पेड पार्किंग यहाँ पे है 10 दिरहम पर घंटे। आए घूमें एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं बीच पे जाके, स्विमिंग के प्लेस भी है, नहाने का भी प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और फाइनली हम लोग इंजॉय करके हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए घर पे पीछे का बैकग्राउंड है, ये कितना अच्छा आ रहा है पीछे, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो, दिवाली हो। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और फॉलो करते रहिए, और शेयर भी कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय।